और इस बीच भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है इसको लेकर के सियासी सरगर्मी तो जारी है, लेकिन अब देखिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की जा रही है। बीजेपी ने भी इससे पहले अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और अब कांग्रेस की तरफ से अमरवाड़ा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं इसको लेकर के स्टार प्रचारकों की सूची शामिल की गई है। प्रचार के लिए आदिवासी नेताओं की एक तरीके से कांग्रेस फौज उतारने वाली है। आधा दर्जन आदिवासी विधायकों को सूची में रखा गया है। स्टार प्रचारक की सूची में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हैं, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी नाम इस पर शामिल है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, इन सबका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। अजय सिंह और अरुण यादव को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अमरवाड़ा की चुनौती कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि किसी भी सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का व्यापम भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, नर्सिंग में घोटाले में भ्रष्टाचार सामने आया, और आप देखेंगे कि आज तो नीट को लेकर के भी साफ साफ समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठित डूबी है। रहा सवाल 2700 रुपए किलो क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान की बात भी की गई थी, उसे भी पूरा नहीं हुआ। किसान परेशान, नौजवान परेशान और इन सबको मुद्दा बना के कांग्रेस अमरवाड़ा का चुनाव लड़ने जा रही है। निश्चित तौर पर हमारी स्टार प्रचारकों की आ गई है, सभी का समावेश है उसमें, सभी से काम लिया जाएगा और सभी लोग काम करने के लिए तैयार बैठे। अच्छा, तो देखिए स्टार प्रचारकों की सूची एक तरीके से जारी की गई है और साफ तौर पर इन स्टार प्रचारकों में दिख रहा है कि प्रचार के लिए कांग्रेस आदिवासी नेताओं की फौज उतारने वाली है और अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है वो कांग्रेस के लिए, खास तौर पर कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट तो उन्होंने जीती थी लेकिन लोकसभा का जब ये रण लड़ा गया, लोकसभा की लड़ाई लड़ी गई, तो लोकसभा की लड़ाई कमलनाथ एक तरीके से हार गए, उनके बेटे वहां से चुनाव हार गए। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं कमलनाथ की प्रतिष्ठा के तौर पर इस अमरवाड़ा उपचुनाव को देखा जा रहा है। और सहयोगी अतुल शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है ये किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लग नहीं रहा कि कोई भी अमरवाड़ा के उपचुनाव को जरा भी हल्के में लेने वाला है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि देखिए अमरवाड़ा विधानसभा है और अमरवाड़ा विधानसभा जो है वो छिंदवाड़ा क्षेत्र में आती है और छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं हम देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा। हालांकि उपचुनाव हो रहा है और अमरवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची सामने निकल के आई है और घोषित की है। लगभग 40 इसमें स्टार प्रचारक है, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उसको इनके अंदर शुमार किया गया। खासतौर पर अगर हम देखें जितेंद्र भंवर सिंह की मैं बात करूं, जीतू पटवारी की बात करूं, उमंग सिंघार की बात करूं, खाद दिग्विजय सिंह की बात करूं, कमलनाथ जो छिंदवाड़ा क्षेत्र का जिनको गढ़ माना रहा है, एक समय गढ़ रहा है कमलनाथ का, उनकी बात करूं, नकुलनाथ की बात करूं, खासतौर पर जो आदिवासी विधायक है उनको इस स्टार प्रचारकों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। देखिए कांग्रेस की तरफ से यही कोशिश है कि अमरवाड़ा जो विधानसभा है उसमें जिस तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा में जिस तरीके से उनकी हार हुई है उसका सीधा बदला अमरवाड़ा से लिया जाए और इसको लेके कांग्रेस ने तमाम यही कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे, तमाम एक माहौल तैयार किया जाए कांग्रेस के पक्ष में। भाई अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो देखिए बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का और उसी को आगे कायम रखना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, कमलेश शाह की बात करूं या कांग्रेस के प्रत्याशी की मैं बात करूं धीरेन्द्र शाह की बात करूं, तो तमाम ये कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूत माने जाते रहे हैं और ऐसे में इसलिए ये चुनाव जो है काफी चुनौतीपूर्ण के साथ साथ दिलचस्प चुनाव हो चुका है। बीजेपी अपने तमाम मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में पहुंच रही है। उपचुनाव में हमने देखा किस तरीके से जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था अमित शाह का, तो मुख्यमंत्री मनोहर यादव वहां पर मौजूद रहे, बीडी शर्मा वहां पर मौजूद रहे और जिस दौरान जब मीडिया चर्चा करी तो उन्होंने यही कहा कि मध्यप्रदेश में जिस तरीके से विकास चल रहा है अमरवाड़ा में भी उसी तरीके से विकास किया जाएगा और विकास की एक नई इबारत जो है अमरवाड़ा में लिखते हुए दिखाई देंगे। इसके
अलावा अगर देखिए कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटजी तैयार करी है तो ये कहीं ना कहीं मान के चला जा रहा है एक मजबूत कैंडिडेट वहां पे कांग्रेस की तरफ से दिया गया है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको यही दिलासा दी जा रही है कि छिंदवाड़ा जो चुनाव में लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ उसको भूला जाए। जो अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है, अमरवाड़ा का उपचुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा अहम या बीजेपी के लिए? क्योंकि एक तरफ कमलनाथ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वहां पर लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कोशिश करेगी कि अमरवाड़ा पर जीत दर्ज करके ये दिखाया जाए कि छिंदवाड़ा की जीत महज इत्तेफाक नहीं थी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए दोनों ही पार्टी के लिए ये जो चुनाव उपचुनाव जो है वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कांग्रेस में जिस तरीके से चुनाव छिंदवाड़ा का हारा वो कांग्रेस से ज्यादा डैमेज वहां पे कमलनाथ को किया गया, क्योंकि देखिए कमलनाथ के जो लड़के नकुलनाथ वहां चुनाव लड़ रहे थे तो सीधे तौर पर इसका फर्क जो है कमलनाथ के राजनीतिक कद पे भी पड़ा है। और ऐसे में अमरवाड़ा के जरिए कमलनाथ ये दिखाना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में भले ही एक बार चुनाव वहां अभी हारे हो लेकिन वो जो क्षेत्र है वो तो ऐसे में तमाम जो कोशिश जरूर करते हुए वहां पे दिखाई देंगे, तमाम जो पुराने तो जो कुल मिलाकर के जो अमरवाड़ा का उपचुनाव है उस उपचुनाव में चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पूरा जोर तो लगा रही है और बीजेपी ने भी देखिए अपने स्टार प्रचारकों की पूरी सूची जारी की थी और अब कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके दिखा दिया गया है कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया अतुल, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट के लिए जुड़ेंगे।